नमस्कार जी, मैं झांसी से मंजू। और आप सब कैसे हैं? आज मैं आपसे क्रोटॉन प्लांट के बारे में बात करूंगी कि इस प्लांट को कैसे लगाना है और इसकी केयर कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया कि इसको तो चाहे आप नर्सरी से ला सकते हैं, तो नर्सरी में तो ये बना बनाया प्लांट आता है, रूट्स के साथ आता है, तो वो तो उसको लगाना तो बहुत ही आसान है। और अगर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में ये प्लांट है, आप और ज़्यादा बनाना चाहते हैं, जब आपके पास नहीं है तो आपके किसी फ्रेंड के पास है, तो आप उनसे कटिंग लें या फिर इसकी पत्ती की कटिंग करके भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अलग अलग कलर और इनकी पत्तियों की शेप्स भी बहुत डिफरेंट तरीके से होती है। इतने सुंदर प्लांट होता है। मेरे पास एक ये है इस तरह का, ये देखिए। तो दोस्तों, ये तो मैं नर्सरी से बहुत सालों पहले लाई थी और ये मैंने अपनी फ्रेंड से एक कटिंग ली थी, तो उस कटिंग से मैंने इसको तैयार किया है। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है और ट्रॉपिकल प्लांट होने के कारण इसको ये भी नहीं कि ये गर्मियों में नहीं चल सकता। तो मेरे यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो फिर भी देखिए आप कितना हरा भरा है, ये कितनी फ्रेश लीव्स इसमें दिख रही हैं। तो दोस्तों, इसकी कटिंग के लिए कुछ इस तरह से मैंने एक कटिंग कर रखी हुई है, ये देखिए। ये मैंने 4-5 दिन पहले लगाई थी। अभी खैर कटिंग लगाने का सीज़न तो नहीं है, फिर भी मैंने ये एक ऐसे लगा दी थी कुछ इस तरह से। 45 डिग्री एंगल पे आप ऐसे कट लगा के, इसमें मिट्टी लग गई है तो आप समझ ही जाएंगे, मेरा कोई पुराना वीडियो देख लेना प्लीज़ आप। तो इस तरह से इसकी पत्तियां ऐसे हाफ काट दें और फिर किसी भी पॉट में आप लगा देना इसको, चाहे तो मिट्टी में लगा देना और सॉरी बॉटल में लगा देना, और चाहे तो आप किसी बड़े पॉट में लगा देना। तो दोस्तों, इस तरह से। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको कैलन कोई प्लांट के बारे में बताया था कि उसकी पत्ती को निकाल के मिट्टी में लगा के कैसे तैयार करना है, और दोस्तों मैंने वो फिर एक जो मैंने पत्ती लगा रखी थी तो मैंने आपको निकाल के बताई भी थी कि उसकी रूट्स कैसे आ गई हैं। तो सेम उसी तरीके से आप इसकी पत्ती भी ले सकते हैं। आप इसकी पत्ती को यहाँ से निकालिए, ये डंडी के साथ यहाँ निकालिए, यहाँ से निकालिए। तो निकाल के आप किसी भी बोतल में लगा सकते हैं और चाहे तो किसी छोटे पॉट में लगा सकते हैं। मतलब आप अपनी सुविधा अनुसार इसको किसी भी चीज़ में इसको लगा सकते हैं। तो इसकी मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मेरे यहाँ तो लू भी बहुत चल रही है, तो मैं शाम को जैसे एक टाइम इनको पानी खूब सारा दे देती हूँ, तो अभी मैंने इनको पानी नहीं दिया, तो फिर नेक्स्ट डे मैं जाके शाम को पानी देती हूँ। इट मीन्स कि दिन में एक बार इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो जितने भी ये कलरफुल प्लांट्स होते हैं, तो इनको आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें प्लीज़। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से जो इनके पत्तियों का कलर होता है ना, वो एक्चुअल कलर होता है, उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है, कलर में फ़र्क आ जाता है। तो आप इनको थोड़ी ऐसी जगह में रखें जहाँ थोड़ी देर धूप भी आती हो, डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आती हो, और फिर छाया वाली जगह में ऐसे रखते हैं, तो थोड़ी देर अगर इनको धूप मिले तो भी ये बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये आउटडोर प्लांट्स भी हैं और इंडोर प्लांट्स भी हैं। और इंडोर प्लांट्स तो मैंने आपको बताया ही है कि घर में यहाँ पे आपकी बड़ी सी विंडो हो, बड़ी सी ना भी हो, अगर छोटी सी भी हो तो उसमें थोड़ी धूप आती हो, थोड़ा टाइम धूप आती हो,
और आप वहाँ पे इसको रख दीजिए तो बड़े आराम से अच्छे से चलेगा। तो फ्रेंड्स, पत्ती में कैसे लगाना है वो लगाने का मैं भी तरीका आपको बताती हूँ। कुछ इस तरह से ये पत्ती काट लीजिए, ये ऐसे, ये देख रहे हैं, इस तरह से डंडी से काट लीजिए। और अभी तो मैंने ऐसे ही लगा दी इसमें गमले में ना, तो क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा है तो थोड़ा मेरे को मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था कि वो सिट्रस की वो कटिंग से कैसे हम प्लांट्स तैयार करते हैं, तो मैंने आपको बताया था मैंने एक लेमन ट्री भी तैयार किया था। और फिर उसके बाद मैंने आपकी अपनी फ्रेंड से उसकी ऑरेंज की कटिंग भी ली थी। तो दोस्तों, ये मैं आपको ये मैंने शो किया था, है ना, ये दिखाया था ना, इसी तरह से कुछ आप जब इसकी पत्ती की कटिंग करोगे तो इसी तरह से ये मिट्टी वाली बोतल में इसको लगा दें और ऊपर से पॉली बैग लगा दें। पॉली बैग ना भी लगाएं तो भी चलेगा, बट मैं इसलिए कह रही हूँ कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अगर आप ऐसे सीधे इसको लगाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ ये निकाल के सिट्रस वाला। तो अगर सीधे लगाते हैं तो गर्मी से वो आपकी जो पत्ती का मॉइस्चर है ना, तो बहुत जल्दी वो उड़ जाएगा और फिर वो उसको सर्वाइव करने में मुश्किल होगी। ये देखिए, जैसे मैंने ये अभी लिए, ये देखिए ऑरेंज प्लांट को अभी भी मैंने पॉली बैग से हटाया नहीं है, पॉली बैग को इसके ऊपर लगा के रखा है, तो इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो बस थोड़ी सी ज़रा सी जगह में हवा के लिए मैंने रखी है, थोड़ा कट लगाया है ताकि इसमें हवा ज़रा सी आती रहे, बाकी मैं इसको ढक के रखा हुआ है मैंने। तो दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फिर वो प्लांट्स को मुझे लग रहा कि थोड़ा चलने में मुश्किल होगी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने अभी मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि इसका पॉलीथीन बैग हटाया जाए। तो दोस्तों, ये मैंने तरीका आपको बता दिया कि इसको कैसे लगाना है कटिंग से, और आप इसकी पत्ती लेके भी ऐसे लगा सकते हैं। तो केयर नाम की तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये गर्मी में भी सर्वाइव करते हैं, बस ये है कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं इनको रखना है। और बहुत ही इतने अच्छे अच्छे कलर में मिलते हैं इसके प्लांट्स, अगर आप घर में रखो तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, घर की खूब शोभा बढ़ाते हैं। और अगर आपके घर में कोई दूसरे फ्लावर्स नहीं हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी पत्तियाँ लग रही हैं इनकी, देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये इनको लगाने का तरीका भी बता दिया मैंने कि बहुत ही आसान है, और ट्रॉपिकल प्लांट होने के कारण इसको गर्मी का तो कोई असर नहीं होता। हाँ, बट आजकल जैसे लू बहुत ज़्यादा चल रही है, तो अगर आप पानी देते हैं, थोड़ा धूप वाली जगह में रखा होगा, तो आपकी मिट्टी पॉट की जल्दी ड्राई हो जाएगी और फिर थोड़ी देर में ही ये मुरझाया हुआ प्लांट लगेगा। तो मैंने ये अपने इधर पोर्च में रखे हुए हैं, और मेरे इधर पोर्च के ऊपर छत है, तो छत होने के कारण मैं जब इनमें पानी देती हूँ तो प्लांट्स में मॉइस्चर काफ़ी टाइम तक बना रहता है, तो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर मेरे जिन भाई बहनों के घर में पोर्च में या गैलरी में या छत में रखे हैं जिन्होंने प्लांट्स, तो वो ऐसा करें कि इनको थोड़ी सी छाया वाली जगह में रख दें या फिर नेट का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, बस ये थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे तो आपके प्लांट्स खूब हरे भरे रहेंगे और कितने अच्छे लगेंगे ये देखिए। और मुझे इनको देखना खूब अच्छा लगता है और इनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत भाता है। तो दोस्तों, इनको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप लगाइए और अपने किसी फ्रेंड के घर जाइए, अगर उनके पास हैं तो उनसे कटिंग ले आइए, तो अपने घर में इस प्लांट को ज़रूर जगह दें। इसमें ज़्यादा मेहनत कुछ भी नहीं, मेहनत के नाम से इसमें कुछ भी नहीं लगता। और ठीक है, फिर अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में
इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। थैंक यू दोस्तों।